मतलब ये कि हमारी जम्मू एंड कश्मीर में एक ब्रांच है, वैसे ही पंजाब में एक ब्रांच है, वैसे ही चंडीगढ़ में एक ब्रांच है, वैसे ही दिल्ली में एक ब्रांच है। तो जिनके इनके पेरेंट्स ट्रांसफरेबल हैं या कहीं और जाके जॉब करना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, तो वो 164 ब्रांचेस में जाके, मतलब कि ऑल ओवर इंडिया, केरला में भी ब्रांच है, मुंबई में भी ब्रांच है, वहां जाके वो लोग पढ़ सकते हैं इजिली। अगेन 44 फॉरेन चैप्टर्स, हमारी ब्रांच की अपनी बिल्डिंग्स 164, मैंने बताया आपको ब्रांचेस है जिसमें से 100 बिल्डिंग्स जो है वो अपनी है ब्रांचेस हमारे इंस्टीट्यूट की। ये नेक्स्ट, तो ये एस्टेब्लिश कब हुआ? इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1949, इवन बिफोर द इनेक्टमेंट ऑफ रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे कब होता है? हाँ जी, 26 जनवरी। और आया कब था? 1950 में। तो हमारा इंस्टीट्यूट से पहले बाजी मार गया था अपने आप को खड़ा करके। तो लोग इस पे आंखें बंद करके भरोसा करते हैं, और ये कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं है, गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है। और सीएस की रिक्वायरमेंट अगर आपको बताया जाए, आप कितने सीएस को जानते हैं जो कि अच्छे प्लेटफॉर्म पे? राकेश झुंझुनवाला का नाम सुना था किसी ने? कौन थे वो? हाँ जी, उनको वॉरेन बफे ऑफ इंडिया कहा जाता था, और वो बाय प्रोफेशन ही वाज अ चार्टेड अकाउंटेंट। रिसेंटली डेथ हुई है उनकी। उन्होंने 5,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी, 5,000 रुपए से एक टाइम पे। आप